इसलिए आप जानते हैं कि हम रोज लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअली मैं यहाँ क्या हो रहा है रोज। तो आज थर्ड डे ऑफ एग्जीबिशन है, आप जानते हैं ना कौन सी एग्जीबिशन, एंडेंजर्ड इंडियन फोक आर्ट्स। जी हाँ, और आज यहाँ बहुत हंगामा है बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स आए हैं, SNDT कॉलेज, DMN कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं, टेक्सटाइल कॉलेज के, जो हमसे इंटरेक्ट करेंगे एंड ऑल्सो दे आर डूइंग लाइव वर्कशॉप। लेट्स कम, गो, आइए आइए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली में ट्रेडिशनल फोक आर्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बनाकर। आइए देखते हैं। हमने उन्हें ये सब बताया है कि किस तरह से बनाया जाता है एंड वी हैव ऑल्सो गिवन देम चांस। हम उन्हें बोल रहे हैं कि बनाकर देखें, सुधर देखें। कहता है ना कि भाजी से रेसिपी जानने से नहीं होती जब तक कढ़ाई ना, कढ़ाई में कच्ची ना हिलाए। सी हाउ दे आर मेकिंग। खराब हो गया तो उसके बाद हम पत्ते के बनाते हैं, पत्ते का नज़र सब कर लेते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल आर्ट टीचर हैं सुशांत मोराना। सुशांत से हाय टू देम। और बाकी सबसे भी मैं आपसे आपको बात करवाऊंगी, लेकिन लेट देम लर्न, थोड़ा उन्हें एक्सपीरियंस करने दो। ये था पटचित्र का वर्कशॉप, यहाँ हो रहा है पिछवाई वर्कशॉप। कैन सी यहाँ पर भी स्टूडेंट्स स्पेशली सीख रहे हैं और इनकी ट्रेडिशनल आर्ट टीचर हैं मिस्टर दौलतराम गुज्जर जी, जो कि हैं बेवर राजस्थान से। एम आई राइट दौलत जी? मैडम जी, एकदम ट्रेडिशनल वे में, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि पेंटिंग्स बनाई जाती है ट्रेडिशनली, उस तरह से आइए मैं आपको थोड़ा और घुमा दूँ। और मैं अगर यहाँ बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप आए नहीं हमसे मिलने, आपको आना होगा, अपनी एक्साइटमेंट और बढ़ा रही हूँ मैं आपको। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हमारी पेंटिंग्स जा रही हैं किसी ना किसी घर की शोभा बन रही है। यहाँ आप देख सकते हैं इतना अच्छा माहौल है, इतना पीसफुल है, जस्ट टू एक्सपीरियंस द रियल फोक आर्ट, द रियल कल्चर, द रियल ट्रेडिशन। तो आप सबका इंतज़ार है कमल नयन बजाज हॉल में, जो कि सांसद भवन से डायगोनली ऑपोजिट है, जैसे कि मैंने कहा था आइनॉक्स मॉल के सामने। तो आप सबका इंतज़ार रहेगा, ज़रूर आइएगा। स्टे ट्यून। काफ़ी बार मेरी बात हुई है, वेरी नाइस आर्टिस्ट, 3D पेंटिंग, कौन से भी साइड से देखेंगे तो। मगर ये गाइस ये ऑलरेडी सोल्ड है तो आपको नहीं मिल सकती, दिस इज़ ऑलरेडी सोल्ड। अगर लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो हम आपके लिए पर्सनलाइज बना के दे सकते हैं। क्या बात, मैं आपको अभी इस बारे में बताना चाहूँगी। ये जो चार पेंटिंग्स हैं, इट इज़ कला रत्न अवार्ड हुआ था कॉम्पिटिशन हमारी वेबसाइट पर, उसके विनर्स हैं। यहाँ पर चार कैटेगरीज होती हैं, लाइक जो बच्चे हैं 11 साल तक के, देन उनसे बड़े, देन अमेच्योर आर्टिस्ट एंड द प्रोफेशनल आर्टिस्ट। इस तरह की चार कैटेगरीज में अवार्ड होता है हर साल, इस बार भी आने वाला है बहुत जल्द अप्रैल में। हु इज़ द विनर, दीज आर ऑल, ये सिर्फ 11 साल का है आदिवत। देख सकते हैं यहाँ पे शिमी शिम्पी सा हुआ है, तो इतने छोटे छोटे बच्चों में इतना टैलेंट है, जो हमें भी ये कंपटीशन रखने के बाद पता चला। तो अगर आप भी इस कंपटीशन में भी पार्ट लेना चाहें तो उसकी डिटेल्स भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। रियली ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक।
ये किसी भी पूजा घर आपके घर के मंदिर में जो होता है ना शोभा ही बढ़ जाएगी अगर ऐसी पेंटिंग ऐसे आर्ट वर्क आपके घर तक पहुँचेंगे। इसे कहते हैं मंडला आर्ट। मुझे मंडला आर्ट बहुत पसंद है, पर्सनली आई एम फैन ऑफ मंडला आर्ट। शी इज आल्सो फर्स्ट प्राइज विनर, ने भी कला रत्न अवार्ड जीता है। बहुत अच्छा। तो हम लोग स्पेशली कला रत्न अवार्ड में एक्सपोजर देते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि उनकी पेंटिंग्स हम उनसे बाय करते हैं। वी गिव देम कैश प्राइजेस एंड दे कैन इजीली पार्टिसिपेट एनी एज ग्रुप, देयर इज नो लिमिट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन। आप किसी भी उम्र के हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, अमेच्योर आर्टिस्ट हैं, आप इजीली कला रत्न अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स मैं आपको देती रहूंगी, स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। आप ये कॉर्नर देखेंगे, ये कॉर्नर बहुत स्पेशल है क्योंकि सेंथिल विल जो फाउंडर हैं इंडियन फोक आर्ट गैलरी के, उनके गुरु जी जो हैं उनका आर्ट वर्क है ये एंड ही इज शिल्प गुरु वेंकटेश राजा। मीन्स ही हैज गॉट दी अवार्ड फ्रॉम दी प्रेसिडेंट अवार्ड दिस थिंग एंड इन्होंने एकदम ट्रेडिशनल वे में जिस तरह से ओरिजिनल स्टोन्स यूज करके बनाया जाता है, आप देख सकते हैं ये आर्ट वर्क। इट्स वेरी रेयर आर्ट वर्क, आपको ये आसानी से मिलेगा नहीं, पर हो सकता है कि अभी अगर आपने इस बार ये मौका चूक गए तो बाद में आपको शायद ना मिले या आपको कुछ ज़्यादा कीमत देनी पड़े। इसकी वैल्यू हर बार बढ़ती ही रहेगी। आइए मैं आपको और दिखाती हूँ। Even the watch industry, they put the dial, they put the miniature painting. Actually, they can put this in the miniature painting in the watch. So there are possibilities. Iske andar pura Ganesh set kiya hai. 120 hai. No one has seen him. Ganesh ke andar Ganesh. Ganesh par sare Ganesh. Chote chote Ganesh set. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ लाइव वर्कशॉप हो रहा है तो हम पूछते हैं स्टूडेंट से कैसे लगा उन्हें। माय नेम इज राशि राठौर एंड वी डिड पट्टचित्रा राइट नाउ फ्रॉम ओडिशा एंड दैट वाज अमेजिंग। सर टीच अस इन डिटेल एंड द थिंग्स एंड द कलर्स वर अमेजिंग एंड हैव यू लर्नड अबाउट द ट्रेडिशन बिहाइंड दैट द हिस्ट्री बिहाइंड दैट आर्ट। Sir taught us the history of it. So you understood? Yeah, we understood a bit. She has made this in a traditional way. You can sign this and say that I have made this a traditional art. We are having ma'am also over here, faculty ma'am. Mr. Sugandha Lad, faculty from Home Science College, Dr. BMN College of Home Science, Matunga. It was a great opportunity. I should thank Anjali ma'am for giving invitation to us. And all of us could get the traditional authentic knowledge from the people who are doing it traditionally and from generation to generation. So the sir, Sushant sir, has taught us Pattachitra. All the details, the coloring and the techniques, how he is doing about it. So I think it has helped our students very much. Ma'am, I will also ask you, like, do you also realize this is good that you're teaching this tradition in school? Yes. But somewhere it is ending up somewhere. Like, people are not knowing about our tradition, our culture. But we are also trying with the Paramparik Karigars. So we are having workshops with them on a regular basis. So through that we are trying to spread the knowledge and we are trying to encourage the artisans also. That is our regular feature that we are doing with them. Because all we all together will support and only they will be having. Because we should protect the students actually. Thanks very much for coming here and supporting the Indian art and artists. I would like to thank you for inviting us. करते हैं उसको जो पुराना क्लॉथ है कॉटन क्लॉथ उसको ऐसे डाल के उसके ऊपर गम लगाना पड़ता है धूप में, उस पर दूसरा लेयर लगाना पड़ता है और धूप में सूखने के बाद ऐसे हार्ड हो जाते हैं। उसको तो फाइट चौक आता है ना, फाइट चौक को लगा के पॉलिश पकड़ाते हैं। नमस्ते भाई, बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। ये सर हमारा पाम लीफ का पेंटिंग है, पाम लीफ वर्किंग करते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग है सर, अच्छा कोई कीड़ा नहीं होगी और ना जल्दी नष्ट होगा। सर यहाँ से शुरू हुआ है, ये जो भी काम हम करते हैं कुछ मतलब छवि वगैरह कुछ नहीं, सब लिखा जाता है, हम लिख कर पढ़ते हैं, इमेजिन करते हैं। समझ गए?
मशीन से इसका ब्रश चल रहा है। Have a cow at home. And that was the way, because I cannot have in any other form, so let's have it in a painting. Yeah, wow. Thank you so much. Wait. One more. I would like to thank Anjali ma'am for sending us invitation, and we experienced such a great work here. We learned different things, and I hope we'll be able to practice it. More practice makes it better, right? Yeah. Yeah, keep practicing. And hopefully, we'll have another session maybe in Bangalore. Not that you can come to Bangalore, but we'll definitely invite you. We'll have more workshops there, more forecourts. Yeah, so you all are welcome. Thank you, sir. Even on this website, you can learn from home also. There is a section where Gurukulam, where you can learn many forecasts. It's a customized courses already made over there for your convenience. So you can learn from there. We're using a learning management system, same like what you do in universities and schools. Syllabus by syllabus, step by steps. Modules. You also have assignments. Do assignments submit. Okay. Great. Give it a try. Sure. Thank you so much. Which is pleasing, and when I send a picture to my husband, he says I saw the picture and a big smile on my face. Okay. So I think it's really worth it. And Ganesh is always very pleasing, interesting. And when they have such a lovely face in painting, you want to have it. Congratulations, and I will say this is not that you are just buying a painting; you are supporting an artist absolutely. So thanks very much. Pleasure is absolutely mine. I'm so glad I came here today because it reopened my eyes towards art. सर अभी मुझे पता चला आपका एक ग्रेट होगा सर आपका नाम क्या है राजीव ताले सर आपको गैलरी कैसे लगा नहीं बहुत ही अच्छा और ये गैलरी भी नहीं है मैंने कल से शुरू किया पहले जुरा हाँ जी दिस इज द कमल नयन हॉल ऑफ जाजा गैलरी ओके गुड आप क्या कहना चाहेंगे बहुत बहुत दिनों के बाद अच्छा काम दिख रहा है सर वो कार्ड मुंबई में ज़्यादा एग्जीबिशन नहीं होते इकट्ठा करके सब चालू किया है बढ़िया है वेरी गुड इनिशिएटिव सर एक्चुअली में यही है कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स बिकॉज़ उनका कुछ भी नहीं हुआ था सेल सो वी थॉट ऑफ दिस एंड फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग इन मुंबई के रनिंग ऑफ फोर्थ आर्ट एग्जीबिशन सो व्हेन वी हर्ड अबाउट यू यू आर वेरी लाइक सर जब मुझे जैसे ही बताया तो आई जस्ट रैन टू हैंड यू दैट्स सो प्लीज गिव अस अ रिव्यू ऑफ यू डेफिनेटली I'll just go through this. Yeah, sure. We just an honor that you are here. Sure. Thank you. Okay, it's your painting. Oh, okay. What's your name? Aditya. Aditya, you are Aditya. He has played keyboard and that's why he was not.
Yesterday, sir was saying that you have interviewed. I was saying, yeah, interview. No, not actually. He's also a FOI. Okay. That's great. So, Abhiram, how are you finding? How are you feeling about this painting in your It's like all the paintings are pretty over. So, what do you want? ये व्हाट योर प्रॉन कैन यू टेल अस अंकल ये बनाया लेने बेटर लेने सेलेक्ट मारे मैंने आई ड्रॉ पीकॉक एंड फिश ओके एंड हु हैज कलर फिशेस हु हैज कलर दिस आई एम यू ओके योर सेल्फ टच मी अ लिटिल सो हु यू हु टॉट यू दिस My mother gave me the idea. Oh. But Saturday, Sunday, she helped me. She helped me for the artwork. So still you are learning from her? For these small parts. The detail work. So you are learning now also or you have learned? Yes. What are you learning? The next Lok Kalaratna painting, I am doing it myself. Wow. What are we you have planned to do the Gondar painting. Oh wow, you know what is meant by Gondar? Yes. What it is about? It has designs with white pen and white paint. Okay. So what you are making in that? A forest with a few trees. Below all of them there's a peacock. Okay. Deer. And giraffe. And something like that. On one tree there are birds. Mm-hmm. We have planned something like that. So you are going to be again on my show? You know my show, na? Yes. You are going to be again on my show. So you have to win for us. Okay. Okay. All the best. So this one is for an artist. Mm. Here she has done mandala based on numerology. Mm. Number of petals. Mm. So it's got significance. I would help and luck in some sense.